भाई साहब सिंचा कहाँ लेके आ गया भाई साहब, गाड़ी ऐसे बिना फिरता है भाई, फ्रैंकली से निकाला मत कर। क्या हो गया चब? अब भाई साहब क्यों निकालता है गाड़ी? अरे यार चब देखो यार, मैं ये दिखाना चाह रहा था। हाँ भाई साहब, छोले भटूरे के बाद लाया भाई साहब, ये क्या कर रहा है? रुक जाओ अंकल, अंकल अंकल। अरे अरे क्या है अंकल? अंकल मेरे को एक बात पूछनी थी। अरे क्या? अरे अंकल ये मेंशन कितने का होगा? बहुत महंगा है, बकवास कम कर यहाँ से। अरे नहीं नहीं नहीं, तेरे को पकड़ता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं फ्रैंक, कल के भाई होने के बाद भाई साहब पीटा जा रहा है। अरे यार चौप यार इस कर बाबा, भाई साहब तू किसी के घर में ऐसे कैसे घुस सकता है? ए निकलता है यहाँ से। अरे निकलता हूँ निकलता हूँ। हाँ भाई साहब, अब भाई दीवार तोड़ दी, मैं फोटो खींच कर ना पुलिस को भेजती हूँ, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। हेलो हेलो पुलिस, यहाँ पे ना कुछ लोग ना क्राइम कर रहे हैं। भाई साहब यार निकलो जल्दी निकलो। हाँ भाई साहब, सिंचन छोले भटूरे का बहाने लेकर के आया था, ये क्या कर रहा है? अरे यार चौप तुम्हें कभी अजीब नहीं लगता? देख रहे हो ना कितने बड़े बड़ी जगह है, कितने बड़े बड़े घर है, और फ्रैंकलिन भैया फुद्दू से मकान में रहते हैं। हाँ भाई साहब ये तो बात है भाई, फ्रैंकलिन हमें फुद्दू से मकान में रखता है भाई साहब। भाई साहब सिंचन बात तो सही कह रहा भाई, ये तो और भी ज्यादा पॉश इलाका है गाइस, देख रहे हो ना गाइस क्या मेंशन है। अरे यार चौप इनको बोलते हैं असली मेंशन, भाई साहब पहले वाले का नकली थे। अरे चौप मैं अंदर से देखता हूँ, कितनी बढ़िया है। ओपा भाई साहब ये कौन है? बाहर निकल जा। अरे अरे निकल रहा निकल रहा, पेड़ पौधे खराब कर दिए, क्राइम करता है, पुलिस का कॉल लगाता हूँ। हाँ भाई साहब कितने केस हो जाएंगे भाई साहब अगर ऐसी पुलिस बुलाते रहे तो। चौप देखो कितनी बड़ी अच्छी गाड़ी है, भाई साहब मेंशन। मेरी दीवार क्यों ठोकता है? अरे बाबा साहब सिंचन तेरे को जब गाड़ी चलानी नहीं आती लेकर के आ गया। अरे चौप यार इतने बड़े बड़े मेंशन है चौप यार, फ्रैंकलिन भैया एक भी नहीं लेते इनमें से। हाँ भाई साहब कलुए के पास पैसा है लेकिन यार लेता नहीं है। अब यार जाके ना कलुए से यही बात करते हैं, नहीं तो भाई साहब हम उसका घर खाली कर देंगे। अरे यार चौप यार ऐसी जिंदगी से भी जिंदगी जीना क्या फायदा यार। भाई सिंचन ये बात तो सही है भाई साहब, कम से कम कोई गाड़ी तो ढंग की सी होती, बताइए इस खटारा को चलानी पड़ रही है। अरे चौप फ्रैंकलिन भैया अगर दिलवाते तो ठीक है, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा। भाई साहब यार ये बात तो तूने सही बोलती, भाई साहब दिलाता ठीक है, नहीं तो घर छोड़ के माइक लद्दू के पास चल जाएंगे। फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया सिंचन? अरे यार बाहर आओ बाहर आओ। अरे हाँ आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया भाई, मुझे बाहर बुला रहा है? अरे आओ यार आओ जल्दी। अरे हाँ बोल। अरे फ्रैंकलिन भैया यार आप लोग मेरे से प्यार नहीं करते। क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन भैया यार आप मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते। बता तो सही क्यों ड्रामे कर रहा? भाई साहब कलिए तू सही में प्यार नहीं करता, क्यों ड्रामे कर रहे हो? भाई साहब कलिए यार देख रहा है भाई पूरी दुनिया में इतने तगड़े तगड़े मेंशन है, और भाई साहब तू यार हमें इतने गंदे मेंशन में रखता है। ओए कम से कम रखता तो हूँ, मेंशन तो है मेंशन के नाम पे, ये छोटी सी टट्टी है भाई साहब, देख कितनी गंदी टट्टी है पुरानी वाली। अरे ऐसी बात थोड़ी है यार चौप सिंचन, तुम्हें हो क्या गया? अरे फ्रैंकलिन भैया भाई साहब इसका सर चढ़ गया भाई सिंचन का। सिंचन ना अभी बहुत ज्यादा गाड़ियां मकान देख करके आया, और वो सोचता है कि यार हमारे पास क्यों नहीं है। अच्छा सिंचन ऐसी बात है? अरे यार फ्रैंकलिन भैया तो यार वो गरीबों के भी मकान देख लिया था फिर तू? अरे क्यों क्या मतलब? मतलब यार जब तू बड़े लोगों के मकान देख करके इंस्पायर हुआ ना, तो सिंचन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं लॉस सैंटोस में जो गरीब है बहुत ज्यादा, उनके भी मकान देख करके आया। अरे वो मैं कुछ नहीं जानता। हाँ हाँ क्यों जानेगा, क्योंकि तेरी शुरुआत ही इतने बड़े मेंशन में हुई है तो तू तो और ही डिमांड करेगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया दिलवा सकते हो तो दिलवाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। बकवास कम कर सिंचन भाई, यार मैं तो तेरे साथ मजाक मजाक में दे रहा था भाई साहब, ये तू रियलिटी में क्यों कर रहा भाई साहब? सिंचन तेरी ये गलत जिद है। तुम बकवास कम करो, तुम भी उनके साइड हो गए ना, जाओ जाओ। भाई मैं कलुए के साथ हूँ। चौप भाई देख क्या हो गया इसको, भाई साहब कलुए भैगी भैगी बात कर रहा है ना, इसका थोड़ा साथ क्या दे दे भाई साहब, ये तो ऊपर चढ़े जा रहा है। यार चुप बैठे चौप यार, चौप यार फ्रैंकलिन भैया अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। सिंचन नहीं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया अपनी गाड़ी पैक करके। सिंचन नहीं। चौप भाई तू भी चल जा यार सिंचन का ख्याल रखने के लिए, मैं तो यार जी लूँगा यार ऐसे ही, लेकिन यार ये या आ जाएगा थोड़ी टाइम बाद। फ्रैंकलिन भैया मैंने पैकिंग भी कर ली है, फ्रैंकलिन भैया मैं जा रहा हूँ। भाई सिंचन रुक जा मैं भी आ रहा हूँ। अरे अब क्यों आ रहे हो? भाई सब आना आने देना भाई। चौप पैसा कर माइकल भाई के पास ले जा, माइकल भाई को मैं बुला लूंगा। अरे क्या खुशबू कर रहे हो चौप के साथ? भाई साहब कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। अरे यार गाइस देख रहे हो ना फ्रैंकलिन भैया प्यार नहीं करते मुझसे, यार क्या करते हैं। भाई साहब चल छोड़ ना यार, कलुआ तो है ही ऐसा, चल आजा भाई तेरे को ले करके चलते हैं भाई माइकल दद्दू के पास चलते हैं। अरे हाँ यार माइकल दद्दू यार हमें अच्छी लाइफ प्रोवाइड करेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो चौप? भाई साहब निकल जा पिंकी हरामी, भाई साहब मेरे से ब्रेकअप करती है हर रोज और मेरा दिमाग खराब करती है। मेरी मालकिन को मारा चौप तूने, मैं नहीं छोड़ूंगी। भाई साहब अरे यार चौप यार ये क्या बोला इसने? भाई साहब बोल ले दे। और भाई साहब गाइस देख रहे हो ना फ्रैंकलिन ने कितना अत्याचार किया है सिंचन और मेरे साथ। चौप यार ऐसा ही होता है, चौप यार जल्दी से मैं माइकल दद्दू के पास चलता हूँ। गाइस यार ये गाड़ी आपको वैसे कमेंट बॉक्स में बताने है कैसी लग रही है। भाई साहब वो फिर टट्टी लग रही है भाई साहब, नैनो का भी गंदा मॉडल है ये। अरे चौप यार मेरी गाड़ी को गंदा मत बोले यार, टू सीटर गाड़ी है। अरे गाइस यार देख रहे हो ना कितनी अच्छी चलती है छोटू सी गाड़ी। ए बच्चे गाड़ी मत चला, तू 18 साल का नहीं हुआ,
अरे जाओ यार काम करो यार। अरे गाइस यार फ्रैंकलिन भैया ने मेरे साथ बहुत गलत किया। हाय सिंचन भाई रो मत। अरे रो कर रहा हूँ पागल इंसान, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। भाई सिंचन तेरी बदतमीजी बहुत बढ़ती जा रही है। अरे मैं बदतमीज हूँ इसलिए बढ़ती जा रही है, तुम भी तो बदतमीज हो। भाई साहब चुप बैठ जा। अरे अरे माइकल दद्दू, माइकल दद्दू सिंचन बेटा। अरे माइकल दद्दू गेट खोलो। अरे नहीं खोलूंगा। अरे यार खोलो ना प्लीज। अरे अरे नहीं खोलूंगा। अरे अरे प्लीज। अरे अरे आ जाओ आ जाओ। अरे बुड्ढे इंसान जब जल्दी आराम से खोल दिया जाता है तो बकवास क्यों करते हो। अरे अरे सिंचन बदतमीजी मत कर, वो तो मैं तेरे से मजाक कर रहा था और तू मेरे से बदतमीजी कर रहा है। बा भाई साहब सिंचन ये गलत बात है भाई, तू हर जगह बदतमीजी कर रहा है, तू बदतमीज होते जा रहा है सिंचन। अरे चुप मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, आ जाओ चुप यार अंदर चलते हैं। अरे अरे आ जाओ खाना पीना खाओ। जा बेटा मैं ऑफिस के लिए ना तैयार होने के लिए नहाने के लिए जा रहा हूँ, तुम जब तक खाना खाओ। क्या बनाए खाने में। अरे बेटा राजमा चावल बनाए हैं तुम्हारी भाभी ने। अरे राजमा चावल खाऊंगा मजा आ जाएगा। अरे कहाँ है राजमा चावल। अरे अरे बेटा उधर ही देख लो खा लेते हैं। अरे यार ठीक है आ भाई सिंचन बेलने भी निकाल दियो। अरे अरे सिंचन बेटा क्या आ गए। अरे हाँ भाभी आ गया। अरे अरे भाभी ना दीदी बोल रही हूँ। अरे अरे ठीक है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पे टीवी देख रहा हूँ। अरे अरे देखो चल मस्ती करो जितनी मस्ती कर सकता करो। अरे इतनी मस्ती करूंगा कि भाई सोफे के कवर फाड़ दूंगा। अरे नहीं यार चौपे ऐसी भी मस्ती नहीं करनी है, पागल हो क्या। अरे अरे आ गया सिंचन तू। जिम्मी नशेड़ी क्या हाल है। अरे मेरे बढ़िया हाल है, तू कब तमीज सीखेगा बात से तमीज से बात करना। अरे कभी नहीं मैं तो यहाँ पे जाए चौप यार चलो यार मस्ती करते हैं। अब भाई सिंचन हाई डांस खेलते हैं। अरे यार नहीं यार। अरे यार गाइस सिंचन चौप ने भी दिमाग खराब करके रखा हुआ है भाई साहब, हर रोज का नया ड्रामा इन लोगों का। अरे माइकल भाई, अरे फ्रैंकलिन। माइकल भाई आपके पास आएंगे सिंचन चौप। अरे हाँ फ्रैंकलिन। माइकल भाई बिना बताए आए हैं घर छोड़ करके। अरे ठीक है तू ऐसा कर मेरे से मिल कहीं रास्ते में। अरे हाँ माइकल भाई ओके। तो गाइस मैं माइकल भाई से मिलता हूँ, माइकल भाई को सब बता। तो माइकल भाई भी अगर वहां से लात मार के निकालेंगे तब इनको पता चलेगा। भाई साहब बड़े ड्रामे हो गए हैं, इन लोगों के घर छोड़ के जाना है, वो करना है। अभी मैं पहुंचता हूं तब बताता हूं मैं इन लोगों को इनकी ऐसी की तैसी। गाइस यार बताओ यार आप कमेंट करके खुद ही बताना ये गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। भाई साहब हमेशा ऐसे ही करते हैं। और गाइस वैसे अभी तक आपने यार पीएस गेम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, हर रोज दो दो वीडियो देखने के लिए गाइस, एक के साथ एक फ्री। और भाई साहब एक एक घंटे का गैप के बाद आया करेगी। सो गाइस प्लीज यार अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को गाइस ऑन कर देना। ओ अरे अरे कौन सा इंसान है तू भाई, डरो मत। अरे क्यों ना डरे तू, लोगों को उड़ा रहा है सलमान भाई। ओए चल बकवास कम कर, सलमान भाई का नाम बदनाम कर रहा है। सिंचन चौप ने यार मेरी ना बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रष्ट कर रखी है भाई साहब, कभी भी शांत मूड से रहने नहीं देंगे भाई साहब। कभी इन्हें किडनैपिंग से बचाओ, कभी वो करो। अरे माइकल भाई ने बाहर मिलने को ही बुला लिया तो मैं बाहर ही आ गया। ओ रुक जाओ एक सेकंड। तो गाइस यार माइकल भाई रहो फ्रैंकलिन, आराम से बोल फ्रैंकलिन, ये लोग सुन लेंगे। अरे हाँ माइकल भाई ये भी बात है, माइकल भाई इनकी गाड़ी कहाँ। अरे गैरेज में खड़ी करवाई थी मैंने। अरे हाँ माइकल भाई क्या करें इन लोगों का। अरे फ्रैंकलिन मैं घर से बाहर निकाल दूँ क्या। माइकल भाई हाँ यार इनको घर से बाहर निकाल दो तब इनको पता चलेगी। अरे हाँ फ्रैंकलिन मैं घर से बाहर निकालता हूँ, इन लोगों के बड़े ड्रामे हो रहे हैं। अरे हाँ माइकल भाई घर से ना पता छोड़ करके बोलने लगे कि फ्रैंकलिन भैया आप अमीर नहीं हो इसलिए। अरे हाँ फ्रैंकलिन यार ये तो बड़े बदतमीजी है। माइकल भाई बता यार अब जब तू अमीरों के घर देख करके आ गया तो माइकल भाई ये इंस्पायर हो रहा है मैं उससे। अरे फ्रैंकलिन तो फिर गरीबों के भी देख करके आता। माइकल भाई वही मैंने बोला इससे, तो पता नहीं यार अलग ही ड्रामे हैं। और चौप को तो यार मैंने अपने साइड कर लिया था। अरे फ्रैंकलिन हाँ यार चौप समझदार है लेकिन यार ये सिंचन में ज़्यादा बचपन आ रखा है। माइकल भाई बच्चा है ना इसलिए। अरे तो फ्रैंकलिन कब तक बच्चा रहेगा, इसको सुधार पहले। अरे हाँ माइकल भाई अब तो सुधार नहीं पड़ेगा, घर छोड़ के जा रहे हैं नेता। सिंचन अरे क्या है, बाहर आ जल्दी। अरे आता हूँ, आप क्यों आ गई। आज सब कलियो तू आ गया। अबे हाँ भाई आ गया और क्या सर। सिंचन कहाँ पे है। अब आता ही होगा भाई साहब, जिसके बड़े ड्रामे हो रहा है भाई साहब। अबे हाँ यार चौप यार हद होती है। अरे फ्रैंकलिन भैया आपको क्या लगता था आपके अलावा कोई पाल नहीं पाएगा, माइकल दद्दू ने मेरे को राजमा चावल खिलाए हैं। हाँ कब तक खिला देंगे। अरे सिंचन बेटा ये बड़ी गलत बात है, सिंचन बेटा मैं तेरे को हर रोज नहीं खिला सकता। क्यों। अरे अरे नहीं मैं नहीं खिला सकता, अरे मुझे अमीर लाइफ जीनी है। अरे आजा सिंचन तेरे को कुछ दिखाता हूँ। अरे क्या दिखाना चाहते हो, आओ जरा मैं कुछ दिखाता हूँ। माइकल भाई जरा दिखाते हैं इनको। अरे हाँ फ्रैंकलिन जरा दिखाते हैं ना तब पता चलेगा इसको। अरे कहाँ बैठू, ऊपर बैठ जा चुपचाप से। आजा सिंचन तू अमीरों के यहाँ तो घूम ही आया ना। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया पर्स लेके लिट्टी में गाड़ी लेकर के गया था। तो आप ये क्यों मेरे से पूछ रहे हो, आप तो यार अपने यार फ्रैंकलिन भैया मैं तो घर छोड़ के आ गया हूँ ना। आप कहाँ ले जा रहे हो, घर में ले जाना वापस। घर नहीं ले जाऊंगा सिंचन, बस तेरे को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे दिखा के दिखाओ दम है तो। सिंचन देख ये तो हो गए अमीर लोग। अरे फ्रैंकलिन भैया, अरे हाँ ये अमीर लोग हो गए भाई साहब, मतलब मिडिल क्लास बोल ले तू इनको। अरे ठीक है हाँ सिंचन ये हो गए मिडिल क्लास।
भाई साहब कलो आपका ले जा रहा है। भाई साहब अब दिखाता हूँ मैं शिंचन तेरे को अपर क्लास वाले लोग। अरे फ्रैंकली भैया मेरे को पता है ये है माइकल दद्दू भी है। माइकल दद्दू ठीक है यार, माइकल दद्दू भी अपर क्लास में आते क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। और भाई साहब यार देख शिंचन ये हो गए कुछ ज्यादा ही अमीर लोग। अरे ये वाले, अबे हाँ ये हो गए कुछ ज्यादा ही अमीर लोग जिनका भाई साहब कितने एकड़ में जाकर के इनका बना हुआ है मेंशन है भाई, पूरा मेंशन है प्रॉपर मेंशन। और ये देख ये है अमीर लोग, और ये देख ये आ गए अमीर लोग। शिंचन देख कितनी शांति है ना। अरे फैकली भैया बहुत ज्यादा शांति है। देख भाई देख ये होते हैं मेंशन अमीरों के। अरे फैकली भैया ठीक है मिडिल क्लास और अपर दिखा दिया, अब क्या बोलना चाहते हो यार। फैकली भैया मैं बता तो रहा हूँ ना यार ये कितने अमीर होते हैं, इनकी लाइफ बड़ी अच्छी होती है। शिंचन मैं मिडिल क्लास में आता हूँ तेरे को पता हो तो। अरे फैकली भैया हाँ ये तो पता है मुझे। तो यार तेरे को क्या चाहिए? अपर क्लास। अपर क्लास मतलब ये जो बड़े बड़े मेंशन ऐसे। अरे हाँ ऐसे ही वाले मेंशन। चल शिंचन अब तेरे को एक चीज दिखा जो तू देख ही नहीं है और जो तू वहाँ पे जाने से भी कतराता है। अरे कौन सी? रुक जा भाई दिखाता हूँ, भाई दिखाता हूँ शिंचन। माइकल भाई दिखाऊं? अरे फैकली क्यों नहीं दिखाएगा, फैकली दिखा सब दिखा इसको। अरे हाँ माइकल भाई मैं सब दिखाता हूँ। तो यार शिंचन देख माइकल भाई तो अमीर हो गए, मैं तो देख मिडिल क्लास में हो गया। अब दिखाता हूँ मैं तेरे को ट्रेवर भाई का। चल गांव में तो मैं नहीं दिखाऊंगा, तू गांव का देख करके तो तू देखेगा ही नहीं, इसलिए अब मैं दिखाता हूँ मैं ट्रेवर भाई का मकान तेरे को। शिंचन देख ट्रेवर भाई ना अब इन फ्लैट में रहते, तेरे को नहीं लगता ये ऊपर नीचे नहीं है शिंचन, बस एक फ्लोर पे एक मकान है। अरे तो क्या हो गया, इसमें क्या दिखाने चाह रहे हो शिंचन? और यहाँ पे भी देख देख कैसे कैसे मतलब कितनी जगह में रहते हैं। फ्रैंकली भैया घिन मतलब कितनी कंजेस्टेड एरिया है ये यार। फ्रैंकली भैया इससे बड़ा तो हमारा ही है ना शिंचन, हमारा है ना इससे बड़ा? अरे हाँ फ्रैंकली भैया इससे बड़ा तो हमारा ही है। फ्रैंकली भैया पता नहीं कैसे रह लेते हैं ये लोग। अबे हाँ भाई शिंचन यही बात है। चल ठीक है मैं एक और चीज दिखाता हूँ। अरे कहाँ? अरे रुक जा भाई दिखाता हूँ, भाई दिखाता हूँ। अरे फैकली तो सही कर रहा है माइकल भाई, ये करना ज़रूरी है इसके लिए शिंचन को, ये अभी से ही सिखाना पड़ेगा यार, इसके में तो ज़्यादा ही अटक गई है। अरे यार फैकली भाई किस बारे में बात कर रहे हो? नहीं शिंचन बस आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ। तो शिंचन ये दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। अरे फैकली भैया ये क्या लिया है? छी छी छी। नहीं नहीं शिंचन देख देख देख। अरे फैकली भैया अरे अरे फैकली तू सही जगह पे लिया है शिंचन, ये लोगों को देख रहा है तू? अरे अरे कौन हो तुम? अरे अरे नहीं मुझे आप अपने बारे में बताओ। अरे मैं क्या बताऊँ यार, मैं बड़ा डरता हूँ और मैं इस गरीब जगह में रहता हूँ, मेरे पे कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। फ्रैंकलिन भैया इन लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है शिंचन, यही है इन देख इन लोगों का ना यहाँ पर ही रहना सहना होता है, यहाँ पर ही खाना पीना होता है। फ्रैंकलिन भैया इन लोगों से तो हम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। हाँ तो समझ आई तेरे को? अरे फैकली भैया मुझे समझ आ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। वही समझाना चाह रहा हूँ शिंचन जो तू समझना चाह रहा है। भाई साहब यार देख यार भाई साहब शिंचन तेरे को भाई कदर दिए बिल्कुल भी। देख फ्रैंकलिन भाई देख तेरे को कितना कुछ देता है, और भाई साहब तेरे को भाई साहब अपर चाहिए शिंचन। देख ये लोग भी ना पता है ऐसी लाइफ चाहते हैं जो तू चाहता है। अरे यार फ्रैंकलिन शिंचन कोई कोई लोग ना पता है ऐसी लाइफ देखना चाहते हैं जो भाई तेरे पास है शिंचन, काफ़ी लोगों का सपना होता है ऐसी लाइफ। अरे फ्रैंकली भैया मैं समझ गया सब कुछ, फ्रैंकली भैया गलती हो गई सॉरी। अरे अरे फैकली क्या सबक सिखाया है? अरे हाँ माइकल भाई सिखाना तो पड़ेगा यार, छोटा बच्चा है मतलब यार ऐसा करेगा ना तो यार। शिंचन देख मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ, देख दिन रात यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं यहाँ पे लोग भाई, वर्कर्स इतने बैठे रहते हैं। ये देख ये लोग देख कैसे। अरे फैकली भैया ये जगह में लिया है यार, फैकली भैया ये तो और ज़्यादा गरीबों की है, गरीबों की बस्ती है शिंचन। और भाई साहब देख अभी तो मैंने तेरे को और ज़्यादा गिरा हुआ दिखाया था जहाँ पे यार लोगों के पास रहने को पैसे भी, रहने के लिए और खाने के लिए पैसे नहीं है भाई साहब, और भाई साहब रहने को एक मकान भी नहीं है। अरे अरे फैकली हाँ तन ढकने को कपड़ा भी नहीं है शिंचन, और देख यार तेरे को सब कुछ मिल रहा है तब भी तू ऐसा करता है। अरे मेरे को समझ आ गया फ्रैंकली भैया सॉरी। अरे और क्या सॉरी से कुछ है गाइस, यार देखा ना यार शिंचन को कैसे सबक सिखाया है। शिंचन बड़ा ज़्यादा ही बदतमीज़ हो रहा था, घर छोड़ के जाना, हर चीज़ में धमकी देना, घर छोड़ के भी तू जा कहाँ रहा है? माइकल भाई के पास, और वो भी किससे? गाड़ी से भाई, टेक ही जान शिंचन, लोगों के पास गाड़ी भी नहीं होती शिंचन, तेरे को तो गाड़ी होती है। यार फ्रैंकली भैया सॉरी फ्रैंकली भैया, मेरे को अभी यार सब चीज़ की कदर पता चल गई। देख शिंचन यहाँ पर देख सारे लोग काम करने आते हैं, तेरे को तो काम करना भी नहीं पड़ता, तेरे को जब भी सब कुछ मिल रहा है। अरे फ्रैंकली भैया आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो फ्रैंकली भैया, अब क्यों भैया जूते में यार और कितना लपेट लपेट के मारोगे? चल ठीक है ठीक है। सो गाइज यार ये थी आज की वीडियो, शिंचन को सबक सिखाया। सो गाइज यार आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अरे हाँ गाइज वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब माइकल भाई के साथ करते हैं पार्टी। अरे हाँ फ्रैंकलिन। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और माइकल भाई के साथ हम पार्टी करते हैं, जब तक।